राजस्थान में चाहे गहलोत सरकार कितने भी कानून ला दे, लेकिन राज्य में अपराधों का सिलसिला यूं ही जारी है और अपराधी खुलेआम अपनी मनमर्जी भी कर रहे हैं। ताज़ा उदाहरण जोधपुर से सामने आया है, जहां उदय सिंह नाम के व्यक्ति के साथ खुलेआम मारपीट की गई। रामसागर चौराहे पर दो कार चालकों के बीच ओवरटेक और साइड देने की बात को लेकर विवाद के बाद उदय सिंह को बुरी तरह से मारा गया। इतना ही नहीं, उसके जेब में पड़े 11,000 नगद भी उड़ा लिए गए। बाद में जब मिडिल क्लास का उदय थाने पहुंचा, तो वहां भी बड़ी मुश्किल से उसकी शिकायत लिखी गई और शिकायत लिखने के बाद भी पुलिस की कार्रवाई नाकाफी नजर आई। आरोपी अब तक खुलेआम घूम रहे हैं और पीड़ित थाने के चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसकी गुहार सुनने वाला कोई भी नहीं। आप खुद सुनिए पीड़ित परिवार की आप बीती। न्यूज 24 राजस्थान बनेगा पीड़ितों की आवाज। ऐसी ही पीड़ा जोधपुर से है। क्या है वो पीड़ा जानते हैं। हमारे साथ में उदय जी हैं। उदय जी, क्या हुआ था, किस तरीके का मामला था जिससे रिप्रेजेंट हुआ कि आप अगर एक रस्ते में जा रहे थे, आपके ऊपर हमला हुआ था, क्या मामला था आपको? इस तरीके की बात है, रात को 10 बजे की है। मैं रामसागर से मदद आ रहा था, शिफ्ट चल रही थी, राम जी डिपार्टमेंट लिखा हुआ पीछे, वो बंदा आगे चला था, फोन पे लगा हुआ था। मैंने उसको हॉर्न टिम खुल दिया, उस बंदे ने साइड नहीं दी, मैं काफ़ी बार टिम खुल हॉर्न दिया, फिर मैंने उस बंदे ने साइड दिया, मैं रॉन्ग साइड से आगे निकल गया। आगे निकल के बाद में मैंने माथक थान पहुँचाया, तो उस बंदे ने पीछे गया आगे माथक थान चौराहे पर आके गाड़ी सामने डाली और मेरे साथ बदतमीजी गाली गलौज करने लगा। उसने फ़ोन करके अपने दोस्तों को बुला दिया, पीछे से स्क्वाड आई, उसमें 10 से 12 लोग आए और मेरे साथ हमला कर दिया, जिससे मैं आँखों पर बहुत ज़्यादा चोट आई है और मैंने जो काम किया था 1,000 रुपये वो मेरे से छीन लिए। मैंने पुलिस में कंप्लेन भी की, पुलिस अब बोल रहे हैं इसमें कोई आना जाना है नहीं और ये उसको गिरफ्तार करने से कोई रिपोर्ट भी है नहीं। अब हम लोग कहाँ जाए, क्या करें? उदय जी, जिनसे हम बात कर रहे हैं, ये एक बहुत ही मध्यम परिवार के आदमी हैं जो सुबह मजदूरी के लिए निकलते हैं और जो भी वो कमाते हैं वो अपने परिवार के लिए कमाते हैं, लेकिन जब वो वापस घर पे आते हैं और अपने बच्चे की फरमाइश के लिए वापस जब बाजार जाते हैं तो कुछ युवक असामाजिक तत्व उनके पीछे आते हैं और उनके साथ में मारपीट करके हमला करके उनके पैसे भी छीन लेते हैं और उनके साथ में मारपीट भी करते हैं। और जब वो शिकायत करने थाने जाते हैं तो थाने के अंदर भी उन्हें नाराज करके भेज दिया जाता है कि ऐसे मामले में कुछ भी नहीं हो सकता, आप वापस चले जाएँ। हमारे साथ में उदय जी की पत्नी भी है, उनसे हम पूछते हैं क्योंकि वो भी उस थाने में साथ में गई थी और उन्होंने भी इस पीड़ा के ऊपर नाराजगी जताई थी। हम रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए गए तो थाने में पहले तो हमें ऐसे बताया गया, मैंने कहा आप हमें रिपोर्ट लिखाने की उसमें संबंध में मदद कीजिए क्योंकि हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। तब पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं हम नहीं, बिल्कुल मदद नहीं करेंगे, जो जो तुम्हारे साथ घटित हुआ वो लिख दो। तो मैंने कहा हम आगे ऊपर क्या लिखना है मुझे बताइए, तो उन्होंने नहीं बताया। फिर जैसे तैसे करके मैंने वहाँ और भी लोग थे उनसे पूछ बुझा के रिपोर्ट दर्ज की, तो उन्होंने कोई मदद नहीं की। फिर मैंने कहा FIR की फोटोकॉपी दे दो, तो बहुत ही बदतमीज तरीके से उन्होंने बोला कि कोई फोटोकॉपी वगैरह नहीं है, साइड में बैठ जा। और जब वहाँ के CA थे तो उनसे भी हमने बात की, तो उन्होंने भी बोला कि इस लेडी को साइड में करो। और बहुत मतलब पुलिस वाले मतलब मंडोर थाना से हमारा पूरा विश्वास ही उठ गया है। और मेरे पति ने भी कितनी बार ही, हम जितनी बार जाते हैं तो वो पुलिस वाले कहते हैं इसमें आप घर जाओ बैठो आराम से, हम तहकीकात अपने आप करेंगे, इसमें होना जाना कुछ लिखा नहीं है, ना हम उन्हें गिरफ्तार करेंगे क्योंकि हमने ऐसी धाराएं लगाई भी नहीं है। तो मैंने कहा धाराएं आपने क्यों नहीं लगाई, और जबकि इनकी ताके आए तो डॉक्टर ने इनके हाथ तक नहीं लगाया, ताके भी किसी और ने दिए वहीं पर हॉस्पिटल में किसी कर्मचारी ने दिए, और इनकी कोई भी रिपोर्ट या हमारी कोई भी सुनवाई ऐसी कुछ भी, हमें पुलिस से एक उम्मीद होती है वो कोई भी हमारी उम्मीद टूट चुकी है। बस हम चाहते हैं हमें न्याय मिले और मेरे पति को इंसान। जैसे कि आप बता रहे हैं ये मामले हुआ हुआ कितने दिन में, उसके ऊपर हमला हुआ उस दिन को लेकर आज के दिन की कितने दिन की ये हुई है, क्या कारण है? ये 23 तारीख की रात की 10:30 बजे की बात है और हमें FIR की फोटोकॉपी भी नहीं दी। और आज तक हम मंडोर थाना कितनी बार चक्कर निकाल चुके हैं, तो मंडोर थाना की पुलिस कहते हैं इसमें होना जाना कुछ भी नहीं है, आप राजीनामा कर लो। आगे से हमें धमकियाँ मिलती है कि आपके पति को ख़त्म कर देंगे, ये कर देंगे। तो हम तो साधारण इंसान हैं, बस हमें इंसाफ चाहिए और इंसाफ हमें अभी तक भी नहीं मिला है। हम पुलिस के चक्कर काट करके हम खुद परेशान हो गए हैं। अब हम क्या करें, आपके हाथ धर के बैठे हैं,
मेरे पति के बहुत चोटें आई जो आज भी इनके टांके लगे हुए हैं और इनकी आंखों में इतना दर्द है कि इनकी आंखों को एक आंख से दिखना तक बंद हो गया है। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि उदय जी की जो आंखें हैं जिन पे जो हमला हुआ था एक बार वो दिखाएं ताकि दर्शक भी उस चीज़ को देखें किस तरीके से हमला हुआ था, जिस तरीके से आंखें, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके दो टांके लगे हुए हैं, ये आंख रेडनेस पे हैं, तो जिस तरीके से ये रेडनेस हो रखी है यहाँ पे ये चोट के निशान भी हैं, ये टांके आए हुए। तो इस तरीके से हमले होने के बाद में जब एक आँख के ऊपर दो टांके भी आए थे और पुलिस का जो नारा है आम जन में विश्वास और अपराधियों में खौफ, लेकिन जब एक आम जन पीड़ित होकर एक अपनी पीड़ा लेकर थाने के पास जाता है लेकिन उनके पास में सही तरीके से बात करने का ढंग भी नहीं होता है किससे बात करना है, और जब आम जन में पुलिस का भी रवैया अगर इस तरीके से निकलेगा और अपराधियों को खुला आम छोड़ के उनकी गिरफ्तारी भी नहीं करती है, ये एक सवाल निशान बनती है, और वो भी जहाँ जहाँ पे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये गृहनगर है और उन्हीं की समाज के लोगों की ये पीड़ा है, तो कब चुनेंगे ये मुख्यमंत्री और कब इन आमजन की समस्या पूरी होगी और कब ये पुलिस के ऊपर अपना विश्वास जताएंगे। जोधपुर से लोकेश व्यास, न्यूज़ 24।